मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिलों में अफसरों को काफ़ी सख्त लहजे में चेताया। उन्होंने कहा, गलत फहमी में ना रहें, लॉकडाउन नहीं लगेगा, हम जनता को मरने नहीं देंगे, बेड की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, पहले से पूरी तैयारी कर लें, आवश्यकता अनुसार निजी हॉस्पिटलों और मेडिकल कॉलेजों का टेक ओवर करें। उन्होंने जिलों में टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया। सीएम योगी ने हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए रणनीति से लेकर क्रियान्वयन की तजवीज कर रहे हैं। उनका पूरा जोर कोरोना संक्रमण और बढ़ने से पहले तैयारियों को लेकर है। उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि कोरोना के खिलाफ संघर्ष को पूरी तैयारी के साथ मजबूती से लड़ना होगा। इस संघर्ष में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होगी। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में सफलता मिली है, उसी प्रकार से इस बार भी हम मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए सफल होंगे। इसके लिए उन्होंने LL2, LL3 के बेड्स पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने के निर्देश दिलाए। इसके लिए उन्होंने निजी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का टेक ओवर करने के निर्देश दिए। सीएम ने 108 एम्बुलेंस सेवा का रेस्पॉन्स टाइम 15 मिनट रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पूरी लड़ाई का केंद्र बिंदु इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को बनाने और उसकी एक एक गतिविधि की निगरानी पर जोर दिया। सीएम योगी ने जाँच और उसकी रिपोर्ट में देरी पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस बारे में निजी लैब्स का भी सहयोग लिया जाए और ज़रूरी हो तो टेक ओवर कर इसके बदले में पेमेंट किया जाए, लेकिन किसी सूरत में जांच रिपोर्ट में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लैब और टेस्टिंग की क्षमता के विस्तार पर जोर दिया। RT-PCR की टेस्ट की क्षमता को 70% तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।